टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉज लॉ। इसमें तीन चार एप्लीकेशन है इसकी। पहला पॉइंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, इसको इंक्रीमेंट डाल सकते हैं या फिर उसमें जो स्टेटमेंट डाल सकते हैं। उसमें रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर, लाइन ऑफ चार्ज वही बन गया चार्ज्ड वायर, दे सकते हैं चार्ज्ड वायर यूनिफॉर्म हो गई हर जगह पे एरिया हो डिस्टेंस वगैरह बराबर है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, ये हम पहले कर चुके टॉपिक सारे अपना तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया था हम लोगों ने लाइन, यस और नो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ये हीट कर लोगे ना आपके पास ऑप्शन होंगे भी वैल्यू निकालने के, एक मर्जी कैसे भी करो जो आपको सारा मतलब उससे कर लो। कई बार क्वेश्चन ये किया जाएगा आपसे कि बाई यूजिंग गॉज लॉ करो भाई या फिर विदाउट यूजिंग गॉज लॉ करो, तो आपको जरूरत नहीं रहेगी, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है तो वही कर लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज देखो क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है स्ट्रेट वायर है ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग, वायर कितने लंबे है इनफाइनाइट लॉन्ग, इसमें मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू मान लेते हैं, तो पूरा चार्ज पूरी वायर पे आ जाएगा, ये पहले भी कर चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहना हो पूरी वायर पे क्या हो जाएगा चार्ज बन जाएगा दोनों तरफ, चार तरफ मतलब वायर की कर लोगे। और ये कोई पॉइंट है अभी यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉब्लम क्या है पी पॉइंट इसके ओपन सरफेस पे है वैसे और ना बी तो क्लोज है ही नहीं ना, अभी तो हवा में है, ये वायर है यहाँ पे निकालना है इसे टच भी नहीं है कर लोगे गॉज लॉ तो पॉसिबल नहीं है कि ओपन में लग जाएगा तो क्लोज में लगेगा बस, अगर ऊपर से बेस नहीं है तो क्लोज बनना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है मानने का कि जो बॉडी की सेम हो उसके अकॉर्डिंग मान लो, तो तरीका जो काम नहीं होता लेकिन 90% क्लोज आएंगे इस तरीके से, जो भी बॉडी की सेप है उसके अकॉर्डिंग मान लो सेप। अब ये जो वायर है सिलेंड्रिकल सेप का होता है यस और नो, तो क्या इमेजिन कर लो, एक सिलेंडर इमेजिन कर लो यस और नो, तो मैंने क्या कर लिया एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया ऑफ रेडियस आर, कितना रेडियस का है समझ में आया आपके लिए, क्योंकि वायर तो क्या इनफाइनाइट लॉन्ग है सिलेंडर की कुछ लेंथ भी इमेजिन कर लेते हैं, लेंथ एल मान लो जो उसमें पड़ेगी ना कह दिया मैंने इसकी लेंथ को। अब ये जो पी पॉइंट है क्या क्लोज सरफेस में आ गया थोड़ा सिलेंडर पे आ गया सरफेस पे, क्या इसमें चार्ज क्लोज है बिल्कुल ना, कोई वायर का चार्ज आया होगा बाई डेफिनेशन ही आता सर जिसे कर लोगे। तो आप आपको निकालना पी कोई पी पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है बताऊंगा अभी आपको, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान लो कौन सा एलिमेंट है डी एस एरिया वेक्टर, क्या होगा इसका इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन यस आर नो, यहाँ पे क्या आएगा डी एस वेक्टर कर लोगे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा लाइन जा रही है तब कोई गाड़ी यहाँ पर भी जाएगी यस आर नो, इसी में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा यस आर नो। देखो भाई ये पैन केक सिलेंडर है, पैन केक इस पूरे सरफेस के ऊपर ये केस होगा कहीं भी निकाल लो यहाँ पे निकाल लो डी एस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कहीं पे कर लो पूरे सरफेस के ऊपर ये केस होगा, तो नीचे वाले पे होगा सेम नीचे वाले पे डी एस मानो, देखो मैं अभी एक और बना रहा हूँ सिलेंडर पे आपको समझाने के लिए, इस पूरे तरीके में देखो सेम ई और डी एस में सेम एंगल होगा यस और नो, इस पूरे वाले के नीचे वाले पे ए होगा कहीं पे निकाल लो इस आउटर सरफेस के ऊपर हर जगह ए वैल्यू कर दीजिए
समझ में आया कि नहीं आया, इस पे मान के देखो, ये वाला एरिया इसका डीएससी होगा, रिएक्टर कहाँ पे होगा भाई? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, यस सर नो, फिट कहाँ पे होगा? फिट दे तो ऊपर होगा या नीचे होगा? यस सर नो, इस पे भाई डीएस कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, फिट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, जो भी आप यूज कर जाते हैं। यानी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इन एरियाज के ऊपर ई और डी एस में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आपको पता है कि 90 में प्लस में कितनी जाती है, जीरो हो जाती है। यस सर, मैं लिखवा था ना, इवन थीटा जो 90 डिग्री प्लस में कितनी हो गई, हमें निकालना है प्लस तो निकालना है, तो प्लस है नहीं इनका फायदा ही लगाने का। यस सर नो, अगर आपको पता होना चाहिए किसी भी सिलेंडर के दो एरिया होते हैं, एक को बोलते हैं कंप्लीट एरिया, एक सिर्फ बोलते हैं करोड़ सरफेस एरिया, सब बोलते हैं करोड़ सरफेस एरिया, सिर्फ ये वाला, ये नहीं, यही होता ना, एक ये पूरा एरिया प्लस दो का भी, ये बोलते हैं होल सरफेस एरिया। अब इनका काम कर, इनका मेरे पास कोई काम ही नहीं है, क्यों? मैं प्लस में कितनी होगी, इसे भी कौन सा बच गया, ये वाला फॉर्मूला क्या बच गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, infinite long straight wire having plus q charge, having plus q charge, ये uniform आपकी class, बोलो ये ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, हर जगह पे बराबर कर लोगे, तो एक वायर आपके पास से इसका लेंथ कितना इनफाइनाइट मान रखा हम लोगों ने, चार्ज कितना दिया इसमें मैंने, प्लस क्यू मान रखा, कर लोगे भाई। आगे लिखिए, लेट पी इज द एनी पॉइंट, लेट पी इज द एनी पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे आपको निकालना है ई का वैल्यू, कर लोगे कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी लाइन लिखवा रहे हैं। तब ये पी पॉइंट नहीं है, पी पॉइंट तो बाहर आ गया सरफेस के, क्या मान लेते हैं, एक सिलेंडर मान लेते हैं, लीजिए इमेजिन ए गॉसियन सिलेंडर, इमेजिन ए गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, लेंथ एल एंड रेडियस है, ठीक है। देखो गोजला अगर अप्लाई करते हैं इस पर कैसे होगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू गोजला, गोजला क्या बोलता है, तीन डायमीटर के ऊपर हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट एप को यूज करना है इस फॉर्मूले को, ई और डी एस में कितना एंगल बन रहा है, जीरो, एक दो,
EDS40 इस पूरे सरफेस पे इसको जीरो होएगा, 90 में बन रहा है तो 90 में कितना बना दिया मैंने, प्लस ट्वेल्व कितनी है पे इस पूरे पे एरिया, इसको बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई, इस मोटाई पे कितना फ्लक्स है, कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स हम जहाँ पे हमको निकालना है फ्लक्स निकालना है, लाइन जब क्रॉस ही नहीं कर पा रही तो ट्वेल्व भी आएगा फिर कितनी है कर लोगे, तो ई डॉट डी एस कॉस जीरो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमें ई निकालना है फिलहाल, बाहर निकाल लो एक अंदर क्या बच गया डी आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सही लिखा मैंने भाई क्या सर, डी एस क्या है, डी एस द स्मॉल एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके पूरा निकाले तो कौन सा यूज करना मेरे को सिर्फ करोड़ यूज करना बाकी जीरो हो जाएगा उसका, कितना वैल्यू होगा भाई 2 पाई आर एल, सही लिखा मैंने एल है क्या, एल है ये बात सही है कि नहीं, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं यहाँ से ई का वैल्यू कितना आएगा, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, सही लिखा है क्या, प्रॉब्लम ये है क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है भाई, यस और नो, अब जहाँ पे कितना चार्ज है मेरा पता नहीं चल रहा बाहर, उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, तो दो टर्म यूज कर ले इसकी, अगर आपको पता करना चाहिए कितना चार्ज कहाँ पे आया हुआ उसके लिए कौन सी कंडीशन है, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर है ना एरिया हो तो सरफेस डेंसिटी वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वायर ही तो यूज कर रहा हूँ मैं, तो मान लेते हैं लैम्डा क्या है डबल इतना, ये हो गया ना तक सर, लैम्डा पे पूरा हो गया, बस थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ एक पॉइंट और इस पे, देख लीजिए लेट लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सही लिखा है, लैम्डा क्या होता पूछिया था भाई, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे आया हुआ है, प्रॉब्लम क्या लेंथ कितना भाई, तो इनफाइनाइट कर रहा हूँ, अब हमने जो इमेजिन कर लिया लेंथ भी कर ली इमेजिन हम लोगों ने, हम सर इतनी वायर का लेंथ यूज कर रहे हैं, यस और नो मेरा जो है बात भाई यहाँ तो मान रखा ना सिलेंडर लोगों ने, तो लेंथ भी इतना यूज कर रहा हूँ वायर का, तो लेंथ एल ले लेता हूँ क्या दिक्कत है, मान रखता है इसकी लेंथ सही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू लैम्डा एल, यहाँ पर दो वैल्यू हुई कितना वैल्यू होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं है कितना होगा भाई लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एलसीएम काट दे तो E का वैल्यू कितना हुआ लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही है इंटरम ऑफ चार्ज डेंसिटी, एनी प्रॉब्लम क्लास बता दो, अगर इस फार्मूले से देख को आप लोग ये रेफर कर डायग्राम भाई रेफर देना इसको सर, अगर इस फार्मूले को ढंग से देखिए तो ई किस पे डिपेंड कर रहा था, लैम्डा तो कांस्टेंट होता है 2 पाई एप्सिलॉन प्लस क्या कौन आर डिस्टेंस, इतना दूर जाओगे वायर से फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा कर लोगे, लिख सकता हूँ कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r या प्रोपोर्शनल टू 1/r, सही है जितना आप r को इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी घटती आएगी, बस टॉपिक करो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल, भी इसको एक और लिख दीजिए साइड में कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल भी जरूरी नहीं है लेकिन कई बुक्स में इसको लिखा जाता है कंडक्टिंग सेल की टर्म में, क्या चीज़ होती है अभी स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है, अपने बॉल देखिए ना, बॉल देखी होगी, बॉल में देखा होगा अंदर से खाली होती है बॉल, सिर्फ कवरिंग होती है बॉल के ऊपर, देखा ना छोटा बॉल देखा होगा, अंदर हवा होती है अभी बाहर भी हवा होती है, सिर्फ एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है पूरे सेल के ऊपर, उसको बोलते हैं सेल भी, ये एक्चुअल में होलो स्फीयर अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक होता है सॉलिड स्फीयर भी,
कर पाओगे। जो सेल बॉर्डर यूज किया ना, ये किसके लिए है? होलो सफियर बॉल देखिए, सिर्फ बॉल वाली बाउंड्रीज के साथ भी आपको बताना है। अगर आपके पास एक चार्ज्ड बाउंड्री हो, एक बॉल हो, होलो स्पीयर हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए हमारे पास कोई बॉल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तीन जगह पॉसिबिलिटी है। बाहर निकालना पड़े, ऑन द सरफेस, इनसाइड द, तीन केस बनेंगे इसके भी। ठीक है, तो तीनों केसों में ऑब्जर्व करेंगे कि वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय यूजिंग गॉस लॉ। हो जाएगा, लिख लीजिएगा पहला पॉइंट इसका, एक बार लिख लीजिए। इसमें लिखिए वी हैव ए, लिखो वी हैव ए स्फेरिकल सेल, वी हैव ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, चलो वी हैव ए, क्या लिखवा था, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैविंग प्लस क्यू चार्ज भी, हैविंग प्लस क्यू चार्ज। जब इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ पे होगा भाई? सर इसकी बाउंड्रीज पे ही होगा, सरफेस पे ही होगा ना, यस और नो? अंदर तो है ही नहीं हवा, अंदर तो सर कहाँ पे होगा? इसके सरफेस, इसके ऊपर भी। तो कितना चार्ज दिया गया इसको? क्यू प्लस क्यू। तो अब इसकी कंडीशंस निकालेंगे अभी। पहला कंडीशन जो होगा, अब मान लेते हैं कहाँ पे निकालना आपको, फर्स्ट पॉइंट एट ए, एट पी, आउटसाइड द सेल पी पे निकालना कोई पॉइंट है जो सेल के बाहर है अभी। ओके, तो देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल सेल अभी, जिसका रेडियस मैंने कितना माना, आर, सेंटर पॉइंट वो मान लेते हैं। इस पे मैंने प्लस चार्ज दिया अभी, और आपका पी पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे आपको निकालना है इससे बाहर अभी, इट इज पी पॉइंट। हो जाएगा अभी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है आर, क्या मैं लिख सकता हूँ कहाँ पे निकाल रहा हूँ, आर इज ग्रेटर देन आर भी, या आर इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब क्या है, ये आर क्या है, बड़ा है उस आर से भी, इसकी रेडियस से भी, सही है कि नहीं है? अब ये ऑब्जर्व करो ना, तो जो पी पॉइंट है इस सरफेस से बाहर अभी, यानी ओपन सरफेस में सारा अरेंजमेंट्स भी, और गोजला अप्लाई करोगे तो ओपन के लगेगी नहीं, तो क्लोज बनानी पड़ेगी मेरे को। उसका तरीका क्या है कि अगर आपको क्लोज सरफेस कंसीडर करना है तो एक बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग कर लो। बॉडी की शेप क्या हमारी, सफियर है, तो हम सफियर ही मान लेते हैं, यस और नो? क्योंकि जो पी पॉइंट है वो बाहर है सरफेस से, तो कंसीडर करते हैं एक सफियर भी, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, यस और नो? बांध सकता हूँ, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर भी, यस और नो? आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे, कितना एरिया का, डीएस एरिया का, वेक्टर कहाँ पे होगा भाई, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर निकलता है। जो बच्चे नए आए हैं उनको बताते हैं, जो एरिया वेक्टर होता है क्लास, ये बोर्ड एक एरिया है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है अभी। इसको वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, इस एरिया पे एक लाइन ड्रा करो परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया भी। नाम क्या है इस वेक्टर का, एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको। हम कर लोगे, तुम्हारे पास एक बॉल है, उस पे एक लाइन ड्रा कर रखी है आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल टू द सरफेस पे, ये क्या देगी आपको, एरिया वेक्टर, यस और नो? पॉजिटिव स्फीयर अभी, लाइन देगा चारों तरफ लाइन, सिलेक्टिव फील्ड लाइन्स, एक लाइन अभी हो सकती है, यस और नो? डायरेक्शन क्या होगी उसकी, यही डायरेक्शन रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो आपको निकालना है पी पॉइंट पे वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायग्राम बना लो, लेट पी इज द पॉइंट, इसी में लिखिए लेट पी इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अभी। तो कैसे निकालोगे, लिख लीजिए, इमेजिन ए सफियर,
इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर भी, इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस कंडीशन पे अगर आप अप्लाई करते हो गोजला भी, कैसे होगा लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू गोजला, क्या बोलता है अभी, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में, E डॉट डी एस क्यू, समझ में आ रहा है, E और डी एस में कितना एंगल बन रहा है अभी क्लास, जीरो, तो लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो भी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको निकालना है E का वैल्यू भी, कॉस जीरो कितना हो गया, कॉस जीरो वन, तो कितना लिखोगे इसको, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी, ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है या सर ना, ई को बाहर निकालना है, ये रब कर दूं डायग्राम भाई, ई को बाहर निकालो, अंदर क्या पता, देखिए डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी, डी एस क्या था विकलास, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर भी, पूरा अगर सभी को जोड़ूंगा तो क्या बनना है, पूरा स्फीयर बनना है, कौन सा स्फीयर बनना है भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर भी, 4πr², यहाँ पे 2r हैं, एक स्मॉल है कैपिटल है भाई, कौन सा r यूज़ करना है आपको, किसका निकाल रहे हो, पूरे का निकाल रहे हो, तो कितना आएगा, 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू कितना हुआ भाई, 1/4πε₀r² इंटू यहाँ पे क्यू हो गया, चेक करो क्या यही हुआ, ई का निकालना था वैल्यू, कितना वैल्यू हुआ, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε₀r² भी। अब यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ई किस पे डिपेंड कर रहा है अभी क्लास, चार तो फिक्स कर दिया स्फीयर पे हम लोगों ने, 4π कॉन्स्टेंट बच गया कौन सिर्फ r² भी, लिख सकता हूँ ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², समझ में आ रहा है, अगर आप स्फीयर के सेंटर से 1 मीटर पे जा रहे हो उसके बाद 2 मीटर पे चले गए तो पहले सिलेक्ट्री फिट 4 गुना कम हो गया अभी, 1/4, 3 मीटर चले गए 9 times कम हो गया अभी, सिक्वेंसली नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है स्क्वेयर में डिक्रीज कर रहा है अभी, तो जिसका ग्राफ बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, नहीं तो किस में बनेगा ग्राफ, कर्व में बनेगा अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहला पॉइंट समझ में आया अभी आप लोगों को, कि अगर कहाँ पर रखें इसको, आउटसाइड रखा जाए तो कितना वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कर पाओगे, यानी अगर आउटसाइड रखोगे ना क्लास से, जो स्फीयर है इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज भी, इसका पॉइंट चार्ज कौन सा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अब सेकंड केस करते हैं इसका, पहला पॉइंट समझ में आया भाई सभी को, ऐड कर लिया, सेकंड पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट है ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ स्फीयर भी या सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल भी, कहाँ रखा जाए पॉइंट भी, पी पॉइंट कहाँ पर रख दिया जाए, सेल पे आ गया अभी, अगर आपका पॉइंट सेल पे आ जाएगा तो पी पॉइंट क्या होगा अभी क्लास, आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, चेक करो एक बार, स्फीयर ये था ना पहले कंडीशन में, ये पॉइंट यहाँ पे ले आऊँ तो जो आर था स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, पुट कर दूँ राइट वैल्यू यहाँ पे भी, दिक्कत ही नहीं है कुछ, कितना वैल्यू आएगा, ए इज इक्वल टू 1/4πε₀ क्यू बाई r² कैपिटल लिख दूं, स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया मैंने, कैपिटल आर, व्हेन आर इक्वल टू आर, लेकिन जब हम सरफेस पे आ गए हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ कर ले भी, सरफेस कुछ ना कुछ तो चार्ज ले रहा है, यस आर नो, तो क्या लिखते हैं उसके लिए, थोड़ा उसको चेंज करते हैं, सिग्मा क्या मान लेता हूँ, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, याद है कि नहीं है,
कितना चार्ज, कितना सरफेस, कितना चार्ज लेगा ये बताएगी आपको अभी। हर एक बॉडी की लिमिट होती है चार्ज लेने की क्लास, बोलो बोला था ना आपको, उसके बाद चार्ज का क्या होगा, लीकेज हो जाएगा अभी। तो सिग्मा क्या होता है अभी, कितना चार्ज कितने एरिए पे आया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर भी है, 4πr² स्मॉल आर कैपिटल बराबर है, तो प्रो नहीं पड़ता इस बात से हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, कर लोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्यू का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πr² सिग्मा इंटू 4πr² एनी प्रॉब्लम भाई बता दो, यहाँ पुट कर दो वैल्यू ई के अंदर, कितना वैल्यू होगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, सिग्मा 4πr² डिवाइड बाय r² सही लिखा मैंने, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट कर दिया, 4πr² से 4πr² काट दूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वी, यस आर नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर वी, सही है, हो गया अभी। अब यहाँ से इस फार्मूले से देखिएगा आप लोग, आप कितना ही बड़ा स्फीयर यूज कर लो भाई, क्या ई का वैल्यू सेम रहेगा उसके लिए, सिग्मा सेम है अगर सरफेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ऊपर भी कांस्टेंट है नीचे भी कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, समझ में आया, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ऊपर वैल्यू हो नहीं सकता इसका, कर पाओगे अभी, इससे दूर जाओगे ना तो वैल्यू घट के आएगी कि बढ़ के आएगी, घट के ही आएगी, ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कर लोगे। अब बात करते हैं अगर हम अंदर पहुँच जाएँ स्फीयर के भी तो क्या होगा, ये केस कब का है, व्हेन आर इक्वल टू क्या है आर के ऑन द सरफेस, समझ में आई बात भाई, थर्ड पॉइंट डाले, लिखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर भी, थर्ड पॉइंट है पी लाइज इनसाइड द सेल, अगर पी पॉइंट कहां पे हो, सेल के अंदर हो भाई, अगर P पॉइंट सेल के अंदर होगा तो R की वैल्यू क्या छोटी होगी कैपिटल R से भी, यस आर नो, ये R स्मॉल R डिपेंड करता है P पॉइंट कहाँ पे है उस पे भी, कर पाओगे भी, तो मेरे पास ये सेल है भी इसका रेडियस कितना था कैपिटल R, ओके, और P पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं, सही है कि नहीं है, अभी भी ओपन सरफेस में है, तो भाई क्या ये ओपन सरफेस में है, अभी अंदर तो हवा है इसके, यस सर नो, चार तो सर्फ कहाँ पे है, बाउंड्रीज पे है, सरफेस पे, तो क्या इमेजिन करोगे, अगेन वी इमेजिन ए स्फीयर भी, किस रेडियस का, स्मॉल आर का, ये क्या होगा स्मॉल एलिमेंट ds, डायरेक्शन क्या होगी ऐसे ही आउटवर्ड आएगा भाई, ई क्या आँव पे होगा, ये भी ऊपर ऐसे ही होगा क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर है ये सारा, सही बना है, बता दो, नहीं समझ में आया, किसके, हम हमेशा सरफेस लेंगे ना, क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में चार्ज ही नहीं ना, तो नेट के लिए जीरो है, बस जीरो बनाऊंगा इसको, तो बताने के लिए आपको बताना है आंसर, एक्चुअल आंसर क्या है, अंदर चार्ज ही नहीं है भाई, आंसर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है, और बस डायग्राम बनाया जो ये बोलते ना लाभ बोलता उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया मैंने इसका, अब चेक करेंगे क्या वैल्यू है अंदर इसकी, हो गया। अब देखिए अगर गोजला अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, क्या था गोजला, मार्कर लेके आओ दूसरा या इंक पड़ी हो, इंक है, इंक मार्कर लिया ना, इस साइड के रूम से दो होंगे किसी के पास, या फिर एक बार बैठ जाओ उसके बाद लिया ना, ये एक बार ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, ई डॉट डी एस वी क्या होता है गोजला भाई,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या अंदर चार्ज है भाई? अंदर चार्ज है ही नहीं, तो क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू इक्वल टू जीरो, इनसाइड चार्ज ही नहीं है भाई, उधर बाउंड्रीज पे है। कर लोगे? अगर अंदर चार्ज नहीं है तो E डॉट डी एस का वैल्यू कितना होगा? जीरो हो जाएगा। E डॉट डी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। यस और नो? डी एस जीरो हो नहीं सकता, एरिया है भाई, मान रहा कुछ तो मानोगे एरिया आप लोग। यस और नो? बच गया कौन? ये इसका आंसर जीरो, इनकी गुणा जीरो है भाई। क्लास पॉसिबिलिटी दो हैं, दोनों जीरो हों या कोई एक जीरो हो जाए, तो ये तो जीरो है नहीं, बच गया कौन? तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। इनसाइड द होलो सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सब समझ में आया भाई? यस और नो? तीन केस बना दिए हम लोगों ने इसके, क्या तीनों के ग्राफ बना सकते हो? ठीक है, तीनों को मैं एक सिंगल ग्राफ से दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है तीनों के साथ भी। कंडीशन कौन कौन सी थी? ग्राफ किसके बीच का है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का और आर के बीच का भी। आर ही चेंज करें हम लोग, सही है कि नहीं है? पहला ग्राफ ये था, जब आप यहाँ पे पॉइंट बनाओ, है भी कोई देखिए भी ग्राफ के अंदर देखो, ये केस हमने यूज किया था R इक्वल टू R वाला। कौन सा केस था ये? ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू आई थी भी, कितनी वैल्यू थी मैक्सिमम? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी, इससे ऊपर वैल्यू हो नहीं सकती इसकी। अगर इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ किस पॉइंट पे आएगा? मैक्सिमम पॉइंट पे। यस और नो? ये पॉइंट क्या रहेगा इसका? मैक्सिमम पॉइंट। कर पाओगे? इसके इस तरफ क्या होगा? इस तरफ मैं लिख सकता हूँ कि R बड़ा होगा R से भी। ये वाला इस तरफ क्या होगा? R बड़ा होगा R से। इस तरफ वाला R छोटा होगा कैपिटल R से भी। यस और नो? ये वाला केस कौन सा है क्लास? R इज ग्रेटर देन R भी, ये आउटसाइड वाला केस है भी। अगर आप फिर में ध्यान हो तो आपको E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² था भी, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप क्या होना चाहिए? करा होना चाहिए। ये किसको दिखा रहा है कंडीशन? E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², सही है कि नहीं है भाई? बता दो। और इस तरफ वाला केस कौन सा था? इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड तो जीरो वैल्यू था भाई, तो ग्राफ क्या है? जीरो का दिखाएगा। यहाँ पे E कितना है? जीरो। सही है कि नहीं है? बस यही ग्राफ था भाई, समझ में आया? ग्राफ तीनों केस एक साथ दिखा दिए मैंने यहाँ पे। जब आपका स्मॉल R कैपिटल R से छोटा था तो E का वैल्यू जीरो है भाई, बराबर है तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। जब बड़ा है तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था भाई। समझ में आया? टॉपिक पूरा हो गया ही आपका? ये बात आपको क्या बताती है क्लास? कि किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइटिंग सो रही है, बादल से लाइटिंग गिर रही है, तो सेफ कहाँ पे आपको खड़ा होना भाई? पहला ऑप्शन दिया जाएगा कि ओपन ग्राउंड में खड़े हो जाओ, आपसे आपके लिए सेफ रहेगा भाई। पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, आपके लिए सेफ रहेगा। या गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए सेफ रहेगा भाई। पहला केस है कि ओपन ग्राउंड में खड़े हो तो सेफ नहीं है भाई, लाइटिंग गिर सकती है आप पे। यस और नो? पेड़ के नीचे बिल्कुल सेफ नहीं है, गाड़ी में भी सेफ नहीं है अभी क्लास। अगर फिर इसकी देखा है, गाड़ी मेटेलिक फॉर्म में है अभी। यस और नो? पक्का भी बिजली गिरेगी इसके ऊपर भी। प्रॉब्लम क्या है? वो होलो स्फीयर तरह बिहेव करेगी, बोलेगा होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार होगा उसके, अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। आप कहाँ बैठे हो? अंदर ही तो बैठे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गाड़ी के अंदर फील्ड का वैल्यू कितना होगा? जीरो।